हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम बच्चों आप सभी के लिए क्लास 10th स्टैंडर्ड से एनसीईआरटी इंग्लिश लिटरेचर में लेसन नंबर 2 दे रखा है, ए लेटर टू गॉड बाय जी एन फ्रेंड्स के द्वारा लिखा गया है। ए लेटर टू गॉड नाम का लेसन है। आज हम उसको इसकी आपको समरी बताएंगे हिंदी में, तो सभी अपनी अपनी बुक्स निकाल करके उसकी रीडिंग लगाएंगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफ समरी हिंदी में इसकी सारी क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। और ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसके आधार पर आपको पूरी समरी समझाऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर लॉन्ग शॉर्ट लिखने में कोई दिक्कत ना हो। जो बच्चे हिंदी समझ लेते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश में भी उसका आंसर अपनी तरफ से बना करके लिख सकते हैं। Let's start the summary of the lesson. शुरू करें। देखिए, हमने जब पॉइंट्स बनाए हैं, लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर, तो सबसे पहले हम आपको इसका पहला पॉइंट बता रहे हैं। इस लेसन में ए लेटर टू गॉड, इसका मतलब है ईश्वर को एक पत्र लिखना है? तो लेंचो नाम का एक कठिन परिश्रमी किसान था, बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था, सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करता रहता था। बच्चों, उसका मकान एक क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल इन ए वैली, एक घाटी में एक चोटी पर बना हुआ था। वहां से उस घाटी के नीचे बहने वाली नदी को और जो खेत खलिहान जो भी हरे भरे दिखाई देते थे, फूल लगे हुए दिखाई देते थे, वो सभी बच्चों उसको दिखाई देता था, सब देख सकते थे, इतनी ऊंचाई पर उसका मकान बना हुआ था। अब बहुत उसको एक अपनी अच्छी फसल उत्पन्न करने के लिए एक बारिश की आवश्यकता थी, उम्मीद थी कि शायद बारिश पड़ जाए, और जब ज़्यादा फूल लहरा रहे हो उस पर खेत पर, तो समझ लो एक अच्छी फसल होने का ये संकेत होते हैं। तो एक अगर उनको बारिश भी मिल जाए तो उसकी पैदावार और ज़्यादा हो जाती है, ये एक हैवी रेनफॉल। अब उसके बाद क्या है कि अचानक ही क्या है, बादल मंडराते हैं और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मूसलाधार बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ना शुरू हो जाते हैं, और मोटे ओले 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के कॉइन्स के बराबर के सिक्के, उसके बच्चे जो थे वो सब क्या है उनको बटोरने में लग जाते हैं, इंजॉय करते हैं। और बारिश इतनी तेज होती है कि पूरी की पूरी फसल तहस नहस हो जाती है, नमक की चादर की तरह उस पर ओले पड़ जाते हैं और सारे फूल झड़ जाते हैं और उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। बच्चों, अब बहुत ही वो होपलेस हो जाता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। उसने फिर उसको ईश्वर में अपार श्रद्धा थी, सोचता है कि अब तो मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, ईश्वर ही मेरी मदद करेगा। तो फिर वो क्या करता है, ईश्वर की मदद करने के लिए वो एक क्या करता है, ईश्वर को एक पत्र लिखता है, भगवान जी को एक पत्र लिखता है, गॉड के लिए एक पत्र लिखता है, और उसमें वो डिमांड करता है बच्चों कि मेरी फसल, उस लेटर में लिखता है कि मेरी फसल जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, हैवी रेनफॉल और ओलों की वजह से, कृपया मेरी मदद कर दो, मुझे 100 पैसों मुद्रा होती है, जैसे हमारे यहाँ रुपये पैसे होते हैं, पैसों तो 100 पैसों की मुझे जरूरत है ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूँ और बच्चों को पाल सकूँ। तो वो एक पत्र लिखता है और जाकर के एनवलप में उसको चिट्ठी को डाल करके पोस्ट कर देता है। अब जब वो पोस्ट कर देता है तो फिर वो पत्र कहाँ पहुँचता है, पोस्ट ऑफिस पहुँचता है। वहाँ पर सभी कर्मचारी पत्रों की छटाई कर रहे थे, तभी वो पत्र एक पोस्टमैन को क्या है छांटते वक्त दिख जाता है। अरे ये कैसा पत्र है जो ईश्वर को पत्र लिख रहा है कोई व्यक्ति, कैसा बेवकूफ व्यक्ति है जो भगवान जी का पता किसको पता है, मैंने तो अपने करियर में कभी भगवान जी का पता ही नहीं पता कि कहाँ रहते हैं, तो ये व्यक्ति कैसा मूर्ख है। इतनी अपार श्रद्धा है इस व्यक्ति की ईश्वर में कि वो ईश्वर से अपना इंटरेक्शन करना चाहता है, मदद मांग रहा है। पोस्टमास्टर, तो वो पोस्टमैन क्या है, उससे चिट्ठी को कौन सी लंचो के द्वारा जो लिखी गई थी बच्चों, वो पोस्ट मास्टर के पास, जो हेड होता है पोस्ट ऑफिस का, उसके पास ले जाता है। वो बहुत ही हंसता है उसको
पढ़ करके और सोचता है कि अरे फिर थोड़ी बात देर बाद सीरियस हो जाता है और सोचता है कि ये व्यक्ति बहुत ही अपार श्रद्धा है ईश्वर में, क्यों ना इसकी मदद की जाए। अब बच्चों क्या करता है वो पोस्ट मास्टर कि सभी अपने साथियों से क्या है एकत्रित करता है पैसे और सबसे एकत्रित करके और उसकी मदद करने का निश्चय कर लेता है। अब क्या है वो सत्तर पैसे ही एकत्रित कर पाता है क्योंकि एक साथ 100 पैसे कलेक्ट करना उसके अकेले की बस की बात नहीं थी और 70-70 पैसे उसको सेंड कर देता है उसके पते पर कि ये रेंचो के लिए ये पत्र भेजा जा रहा है और उस पर लिख देता है फ्रॉम गॉड ईश्वर के द्वारा ताकि वो ये समझ ले कि मेरी मदद ईश्वर ने ही की है। इस प्रकार वो पत्र रेंचो के घर पर पहुंचता है। जब घर पर पहुंचता है तो बच्चों से वो खोल करके देखता है तो क्या गिनता है और गिनने के बाद बच्चों क्या होता है उसमें उसको 70 पैसे मिलते हैं। अब क्या है 70 पैसे मिलते हैं वो समझता है कि ये तो मुझे ईश्वर ने भेजे हैं और बड़ा ही नाराज होता है और सोचता है कि ईश्वर से इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है, उनके पास पैसों की क्या कमी है, उनके पास तो अपार पैसा है, उनसे मैंने मात्र 100 पैसे जीत तो मांगे, तो उसको बहुत नाराज होता है और फिर दोबारा से एक पत्र लिखता है कि बचे हुए मेरे पैसे 30 पैसे जो रह गए हैं उन्हें भी हे ईश्वर हे भगवान जी मेरे वो पैसे भी बाकी वापस भेज दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आपने भेजे तो 100 पैसे ही होंगे लेकिन पोस्ट ऑफिस में जब आपने वो भेजे होंगे मनी ऑर्डर मेरे लिए तो उसमें से ये 30 पैसे इन कर्मचारियों ने और पोस्ट मास्टर ने और पोस्टमैन ने निकाल लिए हैं और मुझ तक 70 ही पैसे प्राप्त हुए, कृपया मुझे शेष 30 पैसे भी जल्दी से जल्दी भेज दीजिए इसकी मुझे सख्त जरूरत है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है ईश्वर कि अब की बार डाक से मत भेजना सीधा मेरे पास डायरेक्ट भेजना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी हैं बंच ऑफ क्रुक्स हैं ठगों का एक गिरोह है। तो इस प्रकार ये लेंचो की ये आपका लेटर टू गॉड की ये आपकी समृद्धि हिंदी में पूरी समृद्धि आप चैप्टर को पढ़ोगे इससे ज़्यादा नहीं है, सब कुछ मैंने इसमें बता दिया। सभी बच्चों ने उम्मीद कर रहा हूँ मेरी इस समरी पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया होगा बच्चों और इसे आप बार बार पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम पर अब हम आगे कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई लेक्चर इज ओवर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स।